जानते हैं क्या कारण रहे कि अब तक जो इनको कामयाबी नहीं मिल सकी, क्या क्या ऐसे पेज थे जो दरकिनार कर दिए गए, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस थी जिनको ध्यान में नहीं रखा गया? देखो, एक तो ये इंडिया का पहला स्प्लिट डिसीजन है जिदे विच के फांसी जी सज़ा जी सुनाई गई है। जेकर जज सहमत ना हो आम तौर के उपर सुप्रीम कोर्ट ही फांसी जी नहीं सुना, पर जो सैट नॉर्म राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर जे सैट नॉर्म्स ने उन्होंने इस मामले के अखों परोखे करके फांसी की सज़ा दी गई सी, और सारे समुचे सिख पंथ में आस सी कि होम मिनिस्ट्री जी है वो जिहड़ियां सैट गाइडलाइनस ने उन्हां गाइडलाइनस के आधार के उपर ही फैसला लूगी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के कोल भी बहुत छोटी स्पेस है, क्योंकि जो गाइडलाइन ने उन्होंने आधार के उपर ही फैसला लिया जाता है। सत्त गाइडलाइनस ने जिहड़े पिछले केस है उन्होंने सामने आउंदियां ने, सत्तां दे विचों चार गाइडलाइनस जिहड़ियां ने वो सत्त चार ग्राउंड्स जिहड़ियां ने वो प्रोफेसर जिंदरपाल सिंह भुल्लर पूरियां करदे ने। सो इट वॉज मच मोर एक्सपैक्टेड कि उन्होंने फांसी की सज़ा रद्द की जाऊगी, जिन्हां विचों पहली ग्राउंड यह है कि वैदर देयर वॉज एनी डिफरेंस ऑफ ओपीनियन अमंग द जजिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो इस केस के ना सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपीनियन बल्कि जस्टिस एम बी शाह हैज एक्विटेड, सो देयर इज ग्रेट कंट्रास्ट बिटवीन द जजमेंट्स। सो दूसरा ये है कि जी एविडेंस है वो जी एविडेंस है उस दे उपर कोई रिलायबिलिटी के उपर डाउट एक्सप्रैस किया गया, उस रिलायबिलिटी के उपर ना सिर्फ डाउट एक्सप्रैस किया गया बल्कि उस एविडेंस नू रिजेक्ट किया गया। तीसरा, फांसी दे वास्ते बहुत सॉलिड प्रूफ चाहिदा इस केस दे सिर्फ विच एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है पुलिस कस्टडी दैट हैज नॉट बीन क्रोबोरेटेड बाय एनी विटनेस और एनी अदर एविडेंस। सो ए भी ग्राउंड जी फुलफिल कर रहे। चौथी जी परसनल ग्राउंड है वो प्रोफेसर जिंदरपाल सिंह भुल्लर पहला 17 साल की सज़ा कट चुके हैं, विच इज मोर दैन सैट नॉर्म फॉर ए लाइफ इंप्रेजनमेंट। सो किसी भी बंद असी दो सजावं नहीं दे सकते, उन्होंने फिजिकल हालत, उन्होंने मैंटल हालत। सो ये चार ग्राउंड बहुत सॉलिड ग्राउंड ने जिन्हों के उपर होम मिनिस्ट्री इन्हां दे विचों एक भी पूरी होने के उपर रद्द कितनी चाहिए जी? आपने कहा बहुत सारे सॉलिड ग्राउंड है, चार ग्राउंड है जो बहुत सॉलिड है, जिसको अगर देखा जाए तो क्लीमेंसी उनको मिल सकती है, सजा माफ हो सकती है या फिर लाइफ टर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। पर अब तक जैसे आप सिक्स स्टूडेंट फेडरेशन के साथ जुड़े हैं, फेडरेशन अब तक क्या सोचती है? 8 साल तकरीबन हो गया आपको, लंबा अरसा हो गया आप फाइट करते आ रहे हैं, 8 साल के बाद भी अभी देखते हैं केस कहां खड़ा है, दोबारा फिर भी फांसी दी जाती है? देखो, ये दो गल्लां ने, एक तो यह है कि इस मसले को शुरू तो ही लीगल ना मान के पॉलिटिकल कंसीडरेशंस जिहड़ियां ने वो चलदियां रहियां ने, क्योंकि प्रोफेसर जिंदरपाल सिंह भुल्लर एक पॉलिटिकल मूवमेंट के नाल एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के नाल रहे, उसका रूप भावें कुछ भी होवे उसके पिछे पॉलिटिकल रीजन सीगे। सो इस मामले दे विच पॉलिटिक्स हैज प्लेड इट्स रोल। तो दूसरी गल जी है कि एक बायस्ड है जिहड़ा कि जुडिशरी दे विच भी है, जिहड़ा पॉलिटिकल सिस्टम दे विच भी है सिखां दे खिलाफ, उन्हें इत्थे अपना पार्ट प्ले किया आ जिहदा करके कि उन्होंने फांसी की सज़ा जी रद्द नहीं की गई। ये बताएं कि अभी जैसे ये बात कर रहे हैं कि पंजाब विधानसभा में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री से, ऑपोजिशन के लीडर से बात करेंगे कि यहां से प्रस्ताव पारित करके बाहर की संसद में भेजा जाए, वहां से बात की जाए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भावनाओं से अवगत कराया जाए किस प्रकार, तो उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बात घूम फिर के वहीं पोलिटिकली आ गई। बिल्कुल, ये एक गल बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट नू हिंदुस्तान की सरकार नू यह गल समझनी चाहिए है कि एक मकबूल भट्ट नू फांसी लगाई गई सी कश्मीर दे विच, अज तक उत्थे गोली चल रही है और वो कश्मीर जिहड़ा उहदा संताप भोग रहा। पंजाब दे विच इस तरह की कोई गल ना की जाए, दविंदरपाल सिंह भुल्लर नू जेकर फांसी लगाई जाती है ये बहुत वड्डा सिर्फ सिखां दे वास्ते नहीं इस मुल्क दे वास्ते एक संताप की शुरुआत हो सकती है, ये तो बचना चाहिए हर हालत दे विच। जी जी गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता।